हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आपके सामने क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3/√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसका हमें हमेशा उल्टा मानना होता है, यानी विरोधाभास मानना होता है। यहाँ पे अपरिमेय बोला जा रहा है तो हम यहाँ पे मान के क्या कर चलेंगे सॉल्व करते समय कि माना कि 3/√5 एक परिमेय संख्या है। जब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमें यही करना है। आप मतलब इसको अच्छे तरीके से समझते चलिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका हम उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि 3/√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अपरिमेय दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम ये मानेंगे। तो आपको पता होता है कि परिमेय संख्या किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है। तो परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है। तो 3/√5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है, बटे के रूप में होता है। तो यहाँ पे जहाँ पी और क्यू क्या है, जहाँ पी क्यू एक पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है। आपको ये हमेशा लिखना है, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, जहाँ क्यू जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यू इसलिए जीरो के बराबर नहीं होगा क्योंकि जब भी अगर क्यू जीरो के बराबर होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू ही मान ही नहीं रह पाएगा। इसलिए क्यू जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, 3 जो इधर गुना के रूप में, उसको हम 3 को उधर भेज देंगे, ये तो इधर बचेगा 1/√5 इक्वल टू पी बटे, यहाँ पे गुना के रूप में था, बराबर के उधर जाने पे भाग के रूप में आ जाएगा। तो 3 जो है नीचे आ जाएगा, 3 × Q। यहाँ पे P/Q अभी भी क्या है, पूर्णांक और एक परिमेय संख्या के रूप में। इसके साथ कोई नंबर भी जुड़ जाता है तभी भी ये पूर्णांक और परिमेय संख्या के रूप में ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो है अपने माइंड में क्या सोचना है कि जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में वही सोच करके आगे मतलब उसको बढ़ाते चलना, क्योंकि बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि 3/√5 एक अपरिमेय संख्या। तो आपको जो है आगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के हिसाब के व्यू से ही आपको जो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चलना है, ठीक। तो फिर आगे सॉल्व कीजिए। अब आगे हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इसको जो है पलट देंगे। 1/5 है तो इसको पलट कर लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 और इसको भी पलट देंगे, क्योंकि इधर हम साइड में पलटे हैं तो इसको भी नीचे नीचे का ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 के ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा पी। पी भी होगा, पी भी जो है कभी भी जीरो के बराबर हम नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो के बराबर होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो पी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3 × Q/P ये जो है आपस में एक परिमेय संख्या है, √5 आपस में एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए एक बात आप याद करते चलिए अपने मन में, रूट के अंदर एक्स एक अपरिमेय संख्या होता है यदि एक्स पूर्ण वर्ग वर्ग न हो। कहने का मतलब है रूट के अंदर कोई भी नंबर हो और वो जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे √5 भी जो है एक अपने आप में क्या है, तो अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और 3 × Q/P ये क्या है, तो ये अपने आप में एक परिमेय संख्या है। तो जब यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, तो ये असंभव है। कभी भी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो हमने क्या माना था कि माना कि 3/√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि हमारी मान्यता गलत थी इसलिए 3/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहीं से सिद्ध हो जाता है कि 3/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ही हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, नंबर चेंज रहे तो हमें बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।